अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों वीडियो में बताऊंगा आपको आपके दिल की बात जो कि है रिजल्ट कब आएगा। अब पेपर पहले होता है कि फॉर्म कब आएंगे, फिर टेस्ट कब होगा, फिर टेस्ट में क्या है कैसा होगा, फिर उसके बाद आंसर की वो आपको बहुत ज़्यादा मिल गई होंगी। मतलब यूट्यूब पर मैंने भी डाली थी आंसर की, आप चेक कर लिया होगा, ऑफिशियल भी आ जाएगी 2-1 दिन के अंदर। बाकी और जगह था चेक कर लिया होगा आपने, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपका स्कोर कितना आएगा, क्योंकि जो ऑनलाइन लोग डालते हैं उसमें और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, 2-3 नंबर का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने नंबर आप स्कोर कर रहे हैं। फिर मैंने कट ऑफ की वीडियो भी कल आपको बना के दी थी, जहाँ मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉमर्स में भी दी थी, फिर आर्ट्स की, साइंस की, PCM PCB सब के बारे में मैंने आपको कल बताया था वीडियो के अंदर इन डिटेल। पेपर के बारे में भी मैंने बात की थी। आज बात करूँगा कि रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने अच्छा किया है, जिन बच्चों के साइंस में अगर है तो 50 के ऊपर आ रहे हैं, 55 अगर एक्सेल है तो 60 के राउंड, 58 के राउंड आ रहे हैं, तो बेचैनी होगी कि रिज़ल्ट जल्दी से आ जाए, एम ही पहुँच जाएँ। इंटर्न वालों का बताया था मैंने 50 के आसपास उनको PCM PCB के मतलब मिल सकती है, तो जिनके इतने नंबर आ रहे हैं उनको बहुत बेचैनी होगी और दिमाग में होगा रिज़ल्ट कब आएगा, जल्दी से लिस्ट आए और नाम देखें अपना, फिर एडमिशन लें एम यू के अंदर। जो लोग बिल्कुल पीछे आ गए हैं, इनके नंबर काफ़ी कम आ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, कभी भी आ जाए वो कहेंगे आए ना, क्योंकि उनका हम तो आने वाला इस बार है नहीं। दोस्तों रिज़ल्ट मेरे ख्याल से जो आने वाला है, अभी 24 तारीख को इसका कल टेस्ट हुआ है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है इसका रिज़ल्ट आपको आता हुआ दिखाई देगा 20 अगस्त के बाद। मतलब 20 अगस्त से पहले तो आप उम्मीद ना करें, क्योंकि अभी कुछ दिन तो टेस्ट ही अभी और रह गए हैं, और अभी जो बहुत पहले के रिजल्ट पड़े हुए हैं वो उनमें से कोई भी नहीं आया, क्योंकि टेस्ट स्टार्ट हुए भी लगभग आपको अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, 30 जून से स्टार्ट हुए, ऑलमोस्ट महीना होने वाला है, अभी तक कोई भी रिज़ल्ट पहले का नहीं आया है। तो आप ये तो बहुत दिन के बाद हुआ है, तो इस बार लेट हुआ था क्योंकि CBSE बोर्ड के 10th एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुए थे, इस चक्कर में टेस्ट आपका लेट हो गया। तो आप मान के चलें 20 अगस्त से पहले उम्मीद छोड़ दें, और 20 और 30 से 30 के बीच में इसका रिज़ल्ट, आप 25 तक आ जाएगा या 25 तक नहीं आया तो 30 अगस्त तक इसका रिज़ल्ट मेरे ख्याल से पक्का आ जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, ये मेरा गैस है। जिनका ने बढ़िया किया देर आया दुरुस्त आया, कोई टेंशन नहीं है, और जिन्होंने बहुत दिन का ख़राब पेपर हुआ था, 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, एक्सटर्नल हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है, उनको कोई फिक्र भी नहीं होना चाहिए। अब उनको फिक्र हो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है। अगर आपको 2023 की, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया होगा, छोटे बैच पढ़ाऊंगा मैं, ज्वाइन कीजिए आप। अगर आप मेहनत करेंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे हमें, तो ज़रूर आपका टेस्ट भी निकल जाएगा नेक्स्ट ईयर। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।